BNC to LAN Converter. आप देख रहे हैं फर्स्टनेट टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अडेप्टर के बारे में बताऊंगा जिसकी सहायता से हम BNC पोर्ट को RJ45 या LAN पोर्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मेरे हाथ में है ये PVA ब्रांड का एक BNC to LAN कन्वर्टर। इसको मैंने साइड करते ये दो पोर्ट खरीदे हैं हमने, और मेरे पास है ये हिक विजन का DVR और ये है हिक विजन का कैमरा। सबसे पहले मैं इस पोर्ट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये पोर्ट में एक साइड लैन पोर्ट है और दूसरे साइड BNC तथा एक पावर पोर्ट है और एक AV पोर्ट है। इसकी सहायता से हम किसी भी BNC से लैन कन्वर्ट कर सकते हैं तथा लैन से BNC कन्वर्ट कर सकते हैं। आजकल के जो भी NVR आ रहे हैं वो पूरे के पूरे लैन पोर्ट के साथ ही आ रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पुराना कैमरा है और मैंने नया NVR लिया, तो ये पोर्ट उस NVR में सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए हमें इस एडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें एक साइड जो BNC है उसको हम कैमरे के एक एंड पे जोड़ लेते हैं। इसको पावर की ज़रूरत पड़ती है। इसको पावर हम देंगे, कोई भी पावर 12 वोल्ट किसी भी अडेप्टर से आप इसको पावर दे सकते हैं। ये मैंने लगा दिया एक एंड पे BNC तथा ये पावर पोर्ट में मैंने इस 12 वोल्ट के अडेप्टर से पावर दे दिया। अब मैं इसको प्लग में दे दिया। इस पोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ऑडियो की ज़रूरत पड़ती है ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो इस पोर्ट का यूज करेंगे, अन्यथा इसका यूज नहीं करेंगे। सिर्फ यही दोनों पोर्ट का यूज करना है। अब हमारे पास बचा ये RJ45। ये मेरे पास RJ45 केबल है, इसको हम इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो गया ये आराम से। अब ये दूसरा एंड, अगर आपके पास NVR है तो आप दूसरा एंड सीधा NVR में दे सकते हैं या स्विच में दे सकते हैं और ये आसानी से चल पड़ेगा। अगर आपके पास DVR है और आप इस कैमरे का रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हैं, मीन्स आप 100 मीटर दूर लगाना चाहते हैं इस कैमरे को आप 100 मीटर दूर लगाना चाहते हैं, तो आप इस पोर्ट की सहायता से RJ45 केबल के द्वारा पहुंचा सकते हैं 100 मीटर दूर। मान लीजिए मैंने इस कैमरे में लगा दिया एक एंड पे, अब मैं दूसरा एंड इसके साथ जो मुझे मिला है ये अडेप्टर जो मिला है दूसरा अडेप्टर उसकी सहायता से मैं फिर वापस RJ45 से BNC कनेक्टर कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब मैंने इसको इसमें लगा दिया और इस BNC पोर्ट को सीधा किसी भी DVR के किसी भी BNC पोर्ट में आप कनेक्ट कर सकते हैं। देख लिए, और एक पोर्ट को हम पावर में दे सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप इस कन्वर्टर के द्वारा BNC टू RJ45 और RJ45 टू BNC कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जानकार बने, जागरूक रहें। जय हिंद।